सो गाइस, अभी हमें खम्बटकी घाट के पास में एंड हम अभी चाय पीने के लिए रुके थे एंड अभी हम चलने वाले हैं खम्बटकी घाट। एंड अभी रात का समय है, सो अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम गाड़ी पे आ गए हैं एंड घाट यहाँ से स्टार्ट हो गई है एंड स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगल बगल देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ चल रही है यार यहाँ पर, एंड काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। एंड अभी हम चल रहे हैं घाट पर एंड अब देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये जो घाट है वो काफ़ी टर्निंग है, यहाँ पे बहुत सारे टर्निंग है यहाँ पे एंड बहुत गाड़ी यहाँ पे चलती है। यहाँ पे जब गाड़ियों का लूट ज़्यादा हो जाता है तो देखिए किस तरीके से गाड़ियों को यहाँ पे काटना पड़ता है। एंड अगल बगल आप देख रहे होंगे कितना मतलब टर्न है यहाँ पर, है ना। सो चलिए, अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी बहुत ऊपर हमको जाना है। सो गाइस, रिसेंटली अभी मैं जो है चाय पिया एंड मैं चाय कभी पीता नहीं, बट अभी मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं है, मैं चाय पहले भी पी चुका हूँ, बट आई प्रीफर कॉफ़ी, है ना। चाय के बदले मैं कॉफ़ी ज़्यादातर पीता हूँ अधिकतर, एंड इस बार मैंने चाय पी ली, बट चाय का जो स्वाद है ना, जो वो मुझे कुछ जचता नहीं है, बट समटाइम्स मुझे लेना पड़ता है, है ना। एंड अभी मौसम को देखते हुए शाम का सीज़न है एंड विंटर का जो सीज़न है वो आ रहा है, सो मुझे सर्दी टाइप का थोड़ा लगा, सो फील हुआ कि मेरे को सर्दी होने वाला है करके, सो मैंने चाय ले लिया एंड अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अदरक वाली चाय थी, अच्छी थी एंड ड्राइवर साहब ने भी चाय पिया, उन्हीं का मतलब वो था, है ना। वो अभी गाड़ी चला रहे हैं तो ज़्यादा कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा है मेरे साथ, बट लेट्स गो, कोई नहीं। एंड मैं अकेला ही बड़बड़ाया जा रहा हूँ, अगर आप लोग को बुरा लग रहा होगा एंड आप लोग को बोर लग रहा हो तो आप कमेंट बता सकते हैं, मैं कुछ नया टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा और अभी मैं न्यू टॉपिक निकालूंगा अभी। एंड देखिए गाइस, यहाँ पे है ना कितना मचता मतलब माहौल है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। सो गाइस, न्यू टॉपिक ये था कि अभी गाइस जो है हम जा रहे हैं, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हाईवे, यहीं पर ही खम्बटकी घाटी जो है वो पड़ता है, खम्बटकी ऐसा कुछ नाम है घाटी का, और इस घाटी पर हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी ऊंची पहाड़ है एंड इस पर मतलब काट काट के यहाँ पे रोड लगाए हुए हैं, जैसे अपना छत्तीसगढ़ में केसकाल घाटी है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, आई बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे काफ़ी ऐसे घाट्स हैं जैसे कि चिल्फी घाट हो गया, केसकाल घाटी हो गया बस्तर में। सो मैं बस्तर का जो घाटी है केसकाल घाटी, उसका वीडियो जो है मैं बना चुका हूँ वहाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ। सो आप मेरे यूट्यूब का जो पेज है वहाँ पे जाके केसकाल का जो है सर्च कर सकते हैं, वीडियो आ जाएगी। एंड चिल्फी घाटी हमने अभी नहीं बनाई है, वहाँ भी हम जाएंगे कभी ना कभी। सो अभी हम हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे हाईवे में, है ना। सो अभी हम जा रहे हैं पंचगनी महाबलेश्वर घूमने के लिए, जिसका ब्लॉग भी आ जाएगा। सो अभी हम इंजॉय करते हैं ये वाली घाट को। सो देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू भी यहाँ से आता है, मैं यहाँ पर गाड़ी रोक के आपको दिखाता, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पर आपको ये जो है वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे लगातार गाड़ी आ रही है और हम अपने गाड़ी को कहीं पे भी, है ना, स्टॉप नहीं कर सकते, पार्क नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जो है सड़क है वो काफ़ी पतली है, मतलब उतना ज़्यादा पतली नहीं है, तो आप देख सकते हैं उस पार दिख रहा था, है ना। सो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पर जगह है ही नहीं। सो देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ पर घाट में गए बहुत सारे मैकेनिक लोग रहते हैं, है ना, जिसकी किसी की गाड़ी जो है ख़राब हो जाती है ना, वो लोग मौके के फ़ायदे को देखते हुए ना बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं उसको बनाने के लिए, जिसकी 5K to 6K ऐसे ले लेते हैं, पंचर हो गई नॉर्मल सी तो 1000 ले लेंगे, 2000 ऐसे 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 यहाँ पे केसेस हैं, है ना। सो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा जो केस है वो खंडाला घाट पर भी होता है, है ना, तो ये खम्बटकी घाट है गाइस, यहाँ पर भी ऐसा होता है। इफ़ आप इस घाट में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड आपके साथ ऐसा हुआ है पहले, है ना, तो आप नीचे कमेंट में बताओगे आपका एक्सपीरियंस कैसा था, सो लोगों को भी पता चल सके रियल में कि क्या है कैसा है, है ना। सो देख सकते हैं किस तरह से आप पहाड़ को जो है काट के यहाँ पे रास्ता बनाया गया है एंड काफ़ी बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है, है ना। यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 लेन का यहाँ पे रोड आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, एंड कितना हैवी गाड़ी यहाँ पे चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे कितना मतलब बिजिस्ट जो है ये, है ना, बिजिस्ट रोड है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जो है ये, है ना, मुंबई टू पुणे एक्सप्रेस वे जो है वो। एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा है एंड काफ़ी अच्छा भी लग रहा है जो राइड है वो, एंड काफ़ी बहुत ही मतलब शानदार फीलिंग हो रहा है यार, क्या ही बताएं हम।
एंड आई होप आपको जो है ये वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही होगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इन वीडियो देख रहे हो और अच्छा लग रहा होगा वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नया हो तो यार चैनल को मेरा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो, है ना। एंड मैं बहुत सारे ऐसे ट्रैवल्स के जो है वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड मैं अभी बहुत सारे और प्लान्स हैं मेरे घूमने के, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली वहाँ कहाँ, हाँ झारखंड जाके आया था। अभी मैं आया हूँ बॉम्बे, तो बॉम्बे में मैं लोनावाला एंड पंचगनी एंड महाबलेश्वर जाने वाला हूँ घूमने के लिए। फिर एक दो महीने में गैस मैं फिर कोई ट्रिप प्लान करूँगा, है ना। ट्रिप जो है हम प्लान करेंगे, फिर वहाँ जाएंगे हम, वहाँ का भी वीडियो हम लाएँगे, है ना। सो मेरे साथ बने रहे, वीडियो को जो है देखिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस लाते रहूँगा। एंड सपोर्ट करिएगा भाई का आपको, है ना, आई नीड योर सपोर्ट। सो देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कैसे गाड़ी यहाँ पे रुक गई और हम भी यहाँ पे रुक गए, है ना। और ये बस वाला निकल गया यहाँ पे, काफ़ी मतलब कम कंजस्टेड जगह है यहाँ पे गाड़ी को जो है टर्न करने के लिए। एंड उस पार देख सकते हैं कैसे किस तरीके से, है ना, कितना लाइट दिख रहा है नीचे, कुछ भी नहीं दिख रहा, वाली लाइट्स दिख रहा था, है ना। और ये देख सकते हैं सामने पहाड़, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था नाइट में। यार इतना जब अच्छा लग रहा है तो सोचो डे में आओगे तो काफ़ी अच्छा खासा व्यूज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। एंड बाई चांस आप अगर आप रूट को सुनासाना देखें, है ना, मतलब सुनसान खाली हुई है और हल्का सा अगर बाथरूम करने के लिए भी, आई मीन टॉयलेट पेशाब करने के लिए भी रुक गए ना एंड देख लिया नीचे ना, तो जन्नत है भाई, काफ़ी खूबसूरत मतलब व्यू है, कई जन्नत तो मतलब व्यू है यहाँ पे। एंड काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। सो नाइट का सीन है, नाइट का व्यू है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड जो मेरा फ़ोन है वो है iPhone 13 Pro Max। सो आपको कैसा लग रहा है बताइए, है ना, वीडियो का जो क्वालिटी है आई होप आपको थोड़ा तो अच्छा लग ही रहा होगा, मतलब उतना ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, मतलब अच्छे खासा ही दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं नॉर्मल जो है उसमें शूट किया हूँ, ना तो इसको डे लाइट किया हूँ ना नॉर्मल किया हूँ, और काफ़ी अच्छा ही लग रहा है ना। सो गाइज देखिए यहाँ पे, है ना, काफ़ी अच्छा है माहौल। एंड हम आई थिंक वी हैव क्रॉस्ड, है ना, घाट को हम पार कर चुके हैं लगता है ना। एंड अब हम समतल एरिया में हम बराबर रोड में आ गए लग रहा है। नो नो नो, आई थिंक वी आर इन द टॉप, नो नो नो, हम आ गए हैं एंड टॉप पे चढ़ रहे हैं, मतलब इधर जो है पूरा टॉप पूरा खाई है एंड इस पार जो है पूरा, अब जो है बराबर वाला जो प्लेस होता है ना वो वाला प्लेस आ गया है आई थिंक। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रोड तो, है ना, 3-4 लेन रोड है एंड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है भाई, तो होगा ही, है ना। एंड देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पे ढाबा है, आप यहाँ पे रुक के खाना वगैरह खा सकते हैं, है ना। हम तो यहाँ पे नहीं रुके हैं आई थिंक, लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है तो खाना भी अच्छा ही होगा वहाँ पे आई थिंक। एंड सी क्या कहते हैं जहर यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे साई बाबा है ना, देखिए गाइस वहाँ पे उस पास साई बाबा एंड साईनाथ महाराज, और चलिए। सो सी यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आशन, यहाँ पे और कुछ बना हुआ है ना। सो सी द रोड्स, आई लव दिस रोड, काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा है, हमें है ना देखने को मिल रहा है यहाँ पे। काफ़ी चौड़ी रोड है और गाड़ी भी अच्छी चल रही है, नाइट में थोड़ा भीड़ होता है बट इस बार इस टाइम में ज़्यादा उतना वो क्राउड नहीं है बता रहे हैं, है ना। सो सी आई होप यू लव दिस, है ना, यू लव दिस वीडियो एंड लाइक शेयर कमेंट कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। सो गाइस आई होप आपको ये खम्बक्ट की घाट वाला जो वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी यहाँ पे आना चाहते होंगे एंड कई लोग तो यहाँ पे आए भी होंगे एंड काफ़ी मज़ा भी आया होगा उन लोग को, जैसे कि यहाँ पे मुझे आ रहा है एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, है ना। एंड मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे अकेला हूँ, है ना, ड्राइवर साहब हैं, मैं हूँ एंड मेरे जो फ्रेंड्स हैं कमीने फ्रेंड्स हैं वो तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि उन लोग अभी है ही नहीं एंड मैं अकेला हूँ। एंड मुझे ना अकेला घूमने में भी बहुत मज़ा आता है कभी कभी, क्योंकि यार अकेले घूमने का ना अलग ही मज़ा होता है, अलग ही लेवल का मज़ा होता है। अगर आपको
आया तो आपको मज़े लेना है। जैसे कहते हैं ना कि हैप्पीनेस हैप्पीनेस जो खुशी होता है उसको ढूंढने में नहीं होता है, अभी जो है उसमें खुश रहो, है ना। तो वही बात है फिर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। ओके।